हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात किया हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम फ्लोरल डाइवर्सिटी या फिर प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। द फ्लोरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। द फ्लोरा ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ड्यू टू वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट टोपोलॉजी एंड हैबिटेट इन द कंट्री। हमने ऑलरेडी देखा कि कई मेगा बायोडाइवर्सिटी जोन्स इंडिया में हैं। 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन्स में से एक इंडिया को माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एनिमल एज वेल एज प्लांट स्पीशीज जो है रिचनेस हमें इंडिया को देखने को मिलेगी और वास्ट टोपोग्राफी भी है। अलग अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हमें देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्लांट की स्पीशीज की वैरायटीज जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। There are estimated to be over 18,000 species of flowering plants in India, which constitute some 6-7% of the total plant species in the world. हमने एनिमल स्पीशीज के बारे में भी देखा इन डिटेल, हमने एम्फीबियंस के बारे में, हमने मैमल्स के बारे में भी देखा। तो एज ऑफ नाउ तो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि वो प्लांट्स जो फ्लावर्स देते हैं, इस तरीके के जो है 18,000 स्पीशीज हमें देखने को मिलेंगे इंडिया में, विच इज समवेयर अराउंड 6-7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्लांट स्पीशीज। तो वर्ल्ड में जितने भी प्लांट स्पीशीज हैं उनमें से 6-7% जो है इस तरीके के फ्लावरिंग प्लांट्स हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे। इंडिया इज होम टू मोर देन 50,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग अ वैरायटी ऑफ एंडेमिक्स। एंडेमिक्स यानी कि जो लोकल हैं, इंडिया में ही पाए जाते हैं, फॉरेन नहीं है। द यूज ऑफ प्लांट एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन हैज बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, ये सभी जितने भी लोकल मेडिसिनल प्रोसीजर्स हैं या फिर लोकल मेडिसिनल जो वैल्यूज जो हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो सभी इन्हीं प्लांट और फ्लावर वैरायटी से जो है डिराइव किए जाते हैं। There are more than 3,000 Indian plant species officially documented as possession in 8 main floristic regions. हमने एनिमल में भी देखा 4 मेन इस तरीके के रीजन्स हमने देखा। तो एज फार एज फ्लोरिस्टिक रीजन्स यानी कि प्लांट स्पीशीज जो कंसर्न है, उसमें पूरे इंडिया को जो है 8 मेन रीजन्स में जो डिवाइड किया गया है, जैसे कि वेस्टर्न हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस, असम, इंडस प्लेन्स, गैंजेस प्लेन्स, द डेक्कन, मलाबार एंड द अंडमान आइलैंड्स। ये सभी 8 रीजन्स में जो है हमें बहुत ही रिच प्लांट वैरायटी देखने को मिलेगी। In 1992, around 743,534 square kilometers of land in the country was under forest, of which 92% belongs to the government. तो मेजर जो फॉरेस्ट लैंड है वो अभी सरकार के हाथ में ही है। ओनली 22.7% इज फॉरेस्टेड कंपेयर टू रिकमेंडेड 33% ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रेजोल्यूशन 1952। हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ है कि इंडिया का एक प्लान है, एक गोल है, जो 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक रेजोल्यूशन लाया गया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, ज्योग्राफिकल जो एरिया है इंडिया का, उसमें से 33% जो है वो फॉरेस्ट होंगे, होने चाहिए। तो 1952 से लेकर अभी 2021 या फिर इससे आगे भी हम देख रहे हैं, तो ओनली वी आर समवेयर अराउंड 22.3% या फिर अप्रॉक्सीमेटली 23% ही जो है इंडिया का ज्योग्राफिक एरिया फॉरेस्ट के अंडर कंसिडर किया जाता है। यानी कि अभी 10% बढ़ोतरी बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रेजोल्यूशन 1952 के गोल को पूरा कर सकें। The majority of it are broad-leaved deciduous trees which comprise 1/6 साल and 1/10 टिक। देखिए ये सभी varieties आपको बाई हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ के बारे में वो कोई ना कोई न्यूज़ में छाया हुआ होता है पूरा साल। तो जाहिर सी बात है कि उसी के बारे में अगर आपको ज़्यादातर इनडेप्थ अगर आप प्रिपेयर करें तो उसी स्पीशीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर एग्जाम में बिट पूछा जा सकता है। इन सभी varieties के बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं है बोटानिकल स्टडीज में। तो आप देख सकते हैं कि एक साल ट्री है और ये जो है ये टीक ट्री है। आपने देखा होगा हमारे घर के आसपास भी जो है ये देखने को मिलते हैं। दे आर अबंडेंटली फाउंड इन इंडिया। कॉर्निफरस टाइप्स यानी कि वो जिनमें कांटे होते हैं, कॉर्निफरस टाइप्स आर फाउंड इन नॉर्थर्न हाई अल्टीट्यूड रीजन्स एंड कंप्राइजेस पाइन्स, जूनिपर्स एंड डिओडर्स। ये भी जो है इसी किस्म के अलग अलग प्लांट स्पीशीज हैं जो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। इंडियाज फॉरेस्ट कवर रेंजेस फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू द कॉर्निफरस फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस। हमने ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट वेरियस फॉरेस्ट टाइप और ग्रासलैंड्स के बारे में, क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा और हमने देखा कि इंडिया में किस किस रीजन्स में वो पाए जाते हैं। तो उन सभी में जो है बहुत अच्छी तरीके से हमें प्लांट की रिचनेस या फिर प्लांट डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।